अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में ईद पर भी नहीं मिला पानी, तो मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश के साथ खाली बर्तन रख किया प्रदर्शन। स्थानीय सभासद ने डीईओ को जानकारी, तो ईओ ने लिया संज्ञान, टैंकर से उपलब्ध कराया पानी। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कई दिन से नहीं मिल पा रहा पानी और कई शिकायतों के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मजबूरी हो करके कदम हमें उठाना पड़ा, हम क्यों इसमें परेशान भाग दौड़ कर पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या, विकास समस्या। अरे नहाए नहीं भैया, सबसे ज्यादा कंड में यही है, सबसे ज्यादा कंड में। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, छोड़ दी गई केवल, और सब जगह लाइन घड़ी आप है और पानी वाल वाली गली में सब जगह लाइन पड़ गई। एक महीने से यूथ साहब को मैंने सूचना दी, मोहल्ला पड़ा हूँ पानी नहीं आ रहा, 900 बच्ची वाले चौक में आप कुछ करिए वहाँ पे, वो बेचती हैं। फिर मैंने फोन करा, रात में फोन आ रहे 3-3 बजे के पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। आज ईद वाले दिन एक बूंद पानी नहीं है यहाँ पे, ईद वाले दिन पानी नहीं आया यहाँ पे। मैंने यूथ साहब को बताया, यूथ साहब ने फिर एक टैंकर भेजा पानी का यहाँ पे, कि टैंकर से पानी भर लें आप। और यहाँ करीब 50-60 मकान है, एक बूंद पानी नहीं है यहाँ पे। सिद्दीकी पड़ाव मोहल्ले का निवासी हूँ, यहाँ पर पानी की विकराल समस्या चली आ रही है पिछले 8-10 दिनों से। यहाँ पर पानी जब भी रात दिन यही मोटर चलते रहते हैं, पानी आता नहीं है, मोटर चलते रहते हैं पानी नहीं आता। सभी आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक मकान का हर व्यक्ति रात को पूरी रात निकाल देता है जगते हुए, मगर उनके घर में पानी नहीं आ पाता। इस समस्या का कोई ना कोई निदान किया जाए, ये अत्यंत जरूरी है, अन्यथा इसका आंदोलन किया जाएगा। हम चेयरमैन साहब से भी मिले, ईओ से भी मिले, सबसे मिले, सबसे मिल चुके और इसका कोई नतीजा सफल रहा। ईओ साहब यहाँ आकर देख भी गए और समस्या का गड्ढा खुदवा दिया, कुछ कोई रिजल्ट नहीं निकला।